हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए टाइप कीजिए टेक ट्यूटोरियल हिंदी HD और सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इनसे फ़ायदा उठाते रहें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बुक बाइंडिंग के बारे में बताने के लिए कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ और आपको साथ के साथ सिखाऊँगा कि बुक बाइंडिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, आपके बच्चे जब नई क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उन्हें कुछ नई बुक्स मिलती हैं, आपको उनको बुक बाइंड करवा के देना होता है। इसके साथ ही साथ पिछले साल उनकी कॉपियों में कुछ पेज बच गए होते हैं जिन्हें आप बेकार समझकर कबाड़ी वालों को भेज देते हैं। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि आप उन बचे हुए पेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने पैसों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आपको इसके लिए चाहिए 3-4 कील। कील ना हो तो आप इस तरह एक सुवा यूज कर सकते हैं जो मैंने बाजार से 50 रुपये का खरीदा है। सुई धागा, एक सेलो टेप चौड़े वाली, या ब्राउन कलर की ले सकते हैं या ब्लैक कलर की, एक अखबार, एक हैमर, एक कैंची या सीजर। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये अखबार की आवश्यकता किस लिए होगी? जब आप बुक को आपको बाइंड करना है उसमें अगर जब आप छेद करेंगे, जब ये नीचे तक जाएगा तो आपको फर्श को नुकसान ना हो, इसलिए आपको एक अखबार नीचे रख लेनी चाहिए। आइए देखते हैं कैसे छेद करने हैं। सबसे पहले आपको बुक की लंबाई देखनी है और उसको आप थोड़ा सा, बस इतना सा छोड़ के यहाँ छेद करने हैं, बिल्कुल सेंटर में। सेंटर से 1-2 सेंटीमीटर इधर उधर या हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आप चाहें तो पेन से निशान लगाकर फिर छेद कर सकते हैं इस हैमर से। अब इस बुक को पलट दीजिए। पलटने के बाद आप इसे थोड़ा हल्का सा ठोक लें। इस तरह आपका ये कील बाहर आ जाएगा और इसे आप वापस खींच लें। आपका बीच में छेद हो चुका है। अब आपको एक छेद इधर करना है, एक छेद इधर करना है, इसलिए आप कीजिए इस कील के बराबर की लंबाई माप लीजिए और यहां एक निशान लगा लीजिए। इसी तरह आप इधर यहाँ निशान लगा लीजिए। अगर आपको निशान नहीं दिखाई दे रहा तो आप किसी पेन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे आदत हो चुकी है, मुझे निशान नहीं लगाना पड़ता। अगर आप पहली बार अगर बुक बाइंड कर रहे हैं तो आप इस तरह का निशान लगा सकते हैं। आइए दूसरा छेद करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई मोटी बुक है जिसको आप सिलाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको उसको पहले दबा कर रखना होगा। मोटी बुक के लिए आपको क्या करना होगा, उसको आप यहां पर हाथ रख के इसे यहां अपने नी के नीचे अच्छी तरह दबा लें और फिर यहां कील रखकर हैमर से छेद कर लें। अब वापस उसी तरह तीनों छेद आपने इस तरह कर लेने हैं। इस बुक की सिलाई करने का खर्चा सिर्फ आपको मात्र 1 रुपए से भी कम पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, सुई में धागा डालकर तैयार रखना है। जब आप धागा डाल लें तो पीछे एक गांठ लगा दें। उसके बाद सबसे पहले बीच वाले छेद से आपको सुई निकालनी है और थोड़ा सा यहां छोड़ देना है। इसके बाद पीछे से, कई बार यहां से सुई नहीं जाती आपकी, तो नहीं जाती तो उसके बाद आपको क्या करना है, आगे से सुई डालकर इसको थोड़ा सा
छेद खोल लेना है इस तरीके से, और फिर आपको यहां सुई डालनी है, इसे पूरा खींच लीजिए। फिर वापस बीच वाले छेद में से आपको सुई ले जानी है। अब यहां आने के बाद इसको अच्छी तरह एक बार खींच दीजिए और सुई यहां से ले जानी है। दोस्तों अगर आपका धागा मोटा है तो आपको सिंगल धागा रखना है, अगर आपका धागा मेरी तरह पतला है तो आप इसको डबल कर सकते हैं। अब यहां से धागा आने के बाद आप इसको वापस बीच वाले छेद में से ले जाएं। अब आपको दोनों सिरे पकड़कर अच्छी तरह खींच देने हैं। आप देखेंगे दोनों तरफ से धागे आ चुके हैं, आप इसको अच्छी तरह पकड़ के खींच दीजिए और यहाँ पे आप एक नॉट लगाएंगे। ये ध्यान रखिए दोस्तों आपको बिल्कुल धागा ढीला नहीं रहने देना है, अच्छी तरह दोनों को खींचे खींचे नॉट लगानी है। यहाँ नॉट लगा दीजिए और फिर दोबारा नॉट लगा दीजिए, दो नॉट आपको लगानी है। दो नॉट लगाने के बाद आप सीजर से इसको काट देना। देखिए दोस्तों आप इसकी सिलाई अच्छी तरह कर चुके हैं। अब आप एक बार बीच में खोल के देख लीजिए कहीं आपका धागा ढीला तो नहीं रह गया। देखिए यहाँ अच्छी तरह इसकी सिलाई हो चुकी है। अब हम इस धागे को ढकने के लिए टेप का प्रयोग करेंगे। आप चाहें तो ब्राउन टेप का ही प्रयोग कर सकते हैं या ब्लैक टेप का, जैसे आपको अच्छा लगे। यहां मैं ब्राउन टेप का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप इसे खोल लीजिए और यहां रखकर इसे हल्का हल्का हाथों से दबा दीजिए और इसके बराबर इसे काट लीजिए। काटने के बाद आप इसे पीछे की तरफ रखिए और पीछे की तरफ आराम से मोड़ दीजिए। अगर यहां से थोड़ा सा फट गया है तो आप दोबारा इसको टेप लगा सकते हैं, और एक्स्ट्रा जितना आपके टेप ऊपर बची है तो आप इसे काट सकते हैं। तो देखिए दोस्तों सिलाई हो चुकी है, आप इसकी बाइंडिंग कर चुके हैं, अब इसके पेज आपके नहीं निकलेंगे। अगली बार हम आपको एक नई तरीके से बाइंडिंग सिखाएंगे जिसमें आप गत्ते का यूज कर सकते हैं। 1 रुपए से भी कम खर्च में आपने इस पर जिल चढ़ा दी है। पुरानी कॉपी में से कुछ पेज जो आपके बच गए हैं खाली, आप उन्हें अलग कर लीजिए। अब जितनी कॉपी में इकट्ठे हुए हैं एक कॉपी के साइज के पेज लें और उन्हें ट्रिम कर कर एक जैसा कर लें। अब क्या करें, किसी पुरानी कॉपी का कवर लें, आप उसको उन पेजों को उस कवर के अंदर डाल दें और उसके बाद जैसा मैंने बुक की सिलाई में आपको बताया है 3 छेद करिए और उसकी सिलाई कर दीजिए सुई धागे से और उसको टेप से ढक दीजिए। तो लीजिए तैयार है, जैसी आपको थंबनेल में दिखाई गई है कॉपी वैसे ही कॉपी आपकी तैयार हो जाएंगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको आने वाले समय में और किन विषयों पर वीडियो चाहिए, तो मैं उन विषयों पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।